गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आज जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी स्टील के ऊपर, ठीक है। तो क्लास शुरू करने के पहले सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को उतने ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा और उनको इसका लाभ मिल सकेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो का भी पता चलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टील। स्टील के बारे में आपको बता दें कि ये कार्बन और आयरन का अलॉय है, दोनों के मिश्रण से बनता है। कार्बन की मात्रा जितनी कम और जितनी ज़्यादा होगी उतने ही प्रकार के हमको स्टील यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें अधिकतम 1.5% तक आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, तब हमारा स्टील बनता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, लो कार्बन स्टील जिसको हम माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। आप देख सकते हैं इसमें 0.5% से 0.15 तक है, ठीक है। इसी तरह से 0.3 से 0.7% तक है, ऐसे 0.7 से 1.5% तक है, ठीक है। तो इस तरह से यदि 0.05 से 0.15% तक रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके कार्बन की मात्रा अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लो कार्बन स्टील का देखिए क्या है, ये डेड माइल स्टील भी इसको के नाम से ये जाना जाता है। इट इज़ डक्टाइल, ये बहुत डक्टाइल होता है, बहुत ही मुलायम होता है ना। इसके बहुत ही वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है इस पर, ठीक है। इसको केस हार्ड भी किया जाता है। अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वायर, इसको ये वायर के रूप में तार बांधने का, जो हम लोहे की तार आप देखते हैं जनरली बांधने के लिए उपयोग की जाती है, वो इसी माइल्ड स्टील की बनी होती है, लो कार्बन स्टील की बनी होती है। रॉड, सीट, फ्लैट चैनल्स, है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चरों में इनका उपयोग किया जाता है, बिल्डिंग वाला वक्त जो भी हम बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है, कैसे भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.3 से 0.7% रहती है। ये मजबूत होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा जो लोहा है वो कठोर होता चला जाएगा, रिजिड होता चला जाएगा, ठीक है ना। मुलायमपन उसका, जो उसका डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी, स्ट्रांग ज़्यादा होता चला जाएगा, मजबूत होता जाता चला जाएगा, कठोर होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, स्ट्रोंग भी होगा और कठोर भी होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा ऊपर वाले से ज़्यादा है। इन फॉर्म ऑफ किस किस रूप में मिलता है, राउंड के रूप में मिलता है, हेक्सागोनल की साइज शेप पे मिलता है, ऑक्टागोनल के शेप पे मिलता है, ठीक है ना। इसका यूज भी हम वायर और पाइप में करते हैं, ऑर्डिनरी स्प्रिंग में करते हैं, सामान्य जो स्प्रिंग रहती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग ज़्यादातर हम इस जनरल पर्पज करते हैं, ठीक है। हाई कार्बन स्टील, जो हाई कार्बन स्टील है, मतलब आप समझ चुके होंगे कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा ज़्यादा कठोर। तो अगर हमको किसी मुलायम धातु पर, अगर हमको किसी धातु पर, सपोज़ किसी धातु पर उसका शेप बनाना है, काटना है, तो ऐसे टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी जो उससे ज़्यादा कठोर हो, उससे ज़्यादा मजबूत हो। तो ऐसी कंडीशन पे हम हाई कार्बन स्टील का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भी 0.7 से 1.5% है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर, हार्डर, लेस डक्टाइल, फिट फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कैसे बनता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बनता है, हार्डर होता है, डक्टिलिटी कम होती है, अवेलेबल राउंड शेप, हेक्सागोनल शेप एंड ऑक्टागोनल शेप, ये गोल रूप में
है ना, षष्ठभुजाकार रूप में, अष्टभुजाकार रूप में अवेलेबल है, यूज्ड फॉर टूल सच एज चीजल, टैप, डाई, फाइल, ड्रिल, ब्लेड, स्प्रिंग, ये सब क्या है, ये कटिंग टूल्स हैं। इनका उपयोग हम मुलायम पदार्थों को काटने के लिए करते हैं जो इनसे मुलायम है। तो ये तीन टाइप हैं स्टील के, आगे भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा सुनिए, ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो के लिए भी बेल आइकॉन जरूर दबा के रखिए जिससे पता चले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ITI और जितने भी हैं स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करें जिससे आपको अच्छे सब्जेक्ट और अच्छे ज्ञान का नॉलेज होता रहे। धन्यवाद।